Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Today in this video we will discuss important general agriculture MCQs along with their explanation. So today's video is going to be more important for those aspirants who are preparing for competitive agriculture exams like IBPS AFO, AAO, ATO, ICRJRF, FCI, IFCO, etc. So don't skip this video, watch complete video, and if you are new here joining first time, then don't forget to hit the like button and also subscribe this channel by pressing the bell icon so that you never miss any update from this channel. So let's get started. So here we have first question. Question number one is heliotropism refers to. Options are first growth towards gravity, next growth towards light, growth towards solid object, response to sunlight. तो heliotropism इन सब में से क्या relate करता है, right answer क्या होना चाहिए, but उससे पहले हम heliotropism क्या होता है बाकी जो options हैं उनको भी one by one discuss कर लेते हैं. but यहाँ पर सबसे पहले हम heliotropism का example समझते हैं जो कि है sunflower. very important example, heliotropism का best example है हमारा sunflower का plant. okay, तो वेल यहाँ पे जो क्वेश्चन है हीलियोट्रॉपिज्म क्या होता है उसके अकॉर्डिंग जो पहला ऑप्शन है ग्रोथ टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. ग्रोथ टुवर्ड्स ग्रेविटी को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेवियोट्रॉपिज्म. ग्रेवियोट्रॉपिज्म, ठीक है, तो ग्रेविटी से रिलेट करता है ग्रेवियोट्रॉपिज्म, तो ए ऑप्शन कैंसिल हो गया है. नेक्स्ट बी ऑप्शन है ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, यानी जो सन होता है उसकी दिशा में मूव करना, ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट. इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को भी हम हीलियोट्रॉपिज्म बिल्कुल नहीं बोलते. ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट जो होता है दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म लाइट की, यानी सनलाइट जो होता है उसकी रोशनी की दिशा में ग्रोथ होती है, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, यानी ये ऑप्शन भी कैंसिल है. ऑप्शन सी है ग्रोथ टुवर्ड्स सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट की दिशा में अगर ग्रोथ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज थिग्मोट्रॉपिज्म. थिग्मोट्रॉपिज्म इसको हम नाम दिया है थिग्मोट्रॉपिज्म. अब लास्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया. लास्ट ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन, दैट इज रिस्पॉन्स टू सनलाइट, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिस्पॉन्स टू सनलाइट. तो हीलियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जो सूरज की रोशनी होती है उसको रिस्पॉन्स करना. फॉर एग्जाम्पल जैसे सनफ्लावर यहाँ पर बना था, तो सनफ्लावर का जो मूवमेंट होता है, सन का जो फ्लावर होता है सनफ्लावर में, सूरजमुखी का फूल जो होता है वो सन की जहाँ से उस डायरेक्शन में सन होता है उसी और उसका मुँह होता है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है हीलियोट्रॉपिज्म का. और हीलियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू सनलाइट, सनलाइट को रिस्पॉन्स देना, और अगर सनलाइट की दिशा में ग्रोथ होती है उसको हमने नाम दिया है फोटोट्रॉपिज्म. तो हीलियोट्रॉपिज्म के लिए जो इन सब में से बेस्ट स्टेटमेंट थी दैट इज़ रिस्पॉन्स टू सनलाइट. बाकी ग्रेविटी के लिए अगर होता है तो ग्रेविट्रॉपिज्म होता है, लाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ होगी तो फोटोट्रॉपिज्म, और सॉलिड ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में अगर ग्रोथ हो जाती है दैट इज़ थिग्मोट्रॉपिज्म. सो होप सो ये सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, किस दिन हम वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे या फिर इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे भी कहते हैं ये हम सेलिब्रेट करते हैं. ऑप्शंस आर 28 फरवरी, 2 फरवरी, 22 मई, 16 सितंबर. यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन फर्स्ट. ए ऑप्शन है 28 फरवरी. तो अगर आपको अच्छे से याद होगा 28 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ नेशनल साइंस डे. इस दिन तो हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ ये ऑप्शन रॉन्ग है. अब नेक्स्ट ऑप्शन है 2 फरवरी. तो 2 फरवरी को हम क्या करते हैं, 2 फरवरी को हमारा आता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. तो जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है ये हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 2 फरवरी को. सी ऑप्शन है 22 मई. तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो आता है ये हमारा 22 मई को ही आता है, यानी ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा. तब वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन और सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई. लास्ट ऑप्शन बचा है उसको भी देखते हैं 16 सितंबर को क्या होता है.
तो 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी जो एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली लेयर है जो कि हमको हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, उसके लिए भी एक दिन होता है 16 सितंबर। लेकिन जो क्वेश्चन था वो ये था कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे हम जो ऑब्जर्व करते हैं ये हम मनाते हैं 22 मई को। तो इस साल इसका थीम क्या था, तो हमने जो इस साल इसका थीम रखा था, जो इंटरनेशनल डे है तो जो यूनाइटेड नेशन इसका थीम रखा था 2022 का, तो वो था बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक है, रिमेंबर दिस। ये थीम भी बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है, अगर आप किसी करंट अफेयर वाले एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि 22 मई को हम इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट करते हैं जिसका थीम रहा था बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच हार्मोन इज एन इंडिकेटर ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस। दिए गए चार ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है बिटेन, नेक्स्ट प्रोलीन, नेक्स्ट ऑक्सिन और लास्ट है बोथ ए एंड बी, यानी बिटेन और प्रोलीन दोनों। यहाँ पे पूछा गया हार्मोन पूछा गया है, वो भी कौन सा, जो मॉइस्चर स्ट्रेस के दौरान प्रोड्यूस होता है या मॉइस्चर स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बिटेन और यही हमारा करेक्ट आंसर है बिटेन। तो बिटेन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि मॉइस्चर स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। बाकी अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखें प्रोलीन, तो प्रोलीन जो है ये एक हार्मोन नहीं है, इट इज़ एन अमीनो एसिड। ये एक तरह का अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड भी कब बनता है, जब प्लांट्स ड्राई कंडीशन या फिर वाटर स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट आ जाता है, और यू कैन से मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन जब आ जाती है प्लांट में तभी ये अमीनो एसिड तैयार होता है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन था ऑक्सिन, तो ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है और ये बेसिकली सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये ऑप्शंस हमारे सब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर जो था दैट इज़ बिटेन। प्रोलीन जो है अमीनो एसिड है, अगर यहाँ पे हार्मोन की जगह पूछा होता अमीनो एसिड, इफ़ द क्वेश्चन इज़ लाइक दैट कि कौन सा अमीनो एसिड है जो मॉइस्चर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, तो उस कंडीशन में हम अमीनो एसिड की अगर बात करें तो प्रोलीन आंसर करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हार्मोन की बात हुई है कि हार्मोन कौन सा होता है, तो हार्मोन होता है बिटेन जो कि मॉइस्चर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, वाटर फुटप्रिंट कंसेप्ट वाज गिवन बाय, किस साइंटिस्ट ने वाटर फुटप्रिंट का कंसेप्ट दिया था। ऑप्शंस आर ए विलकॉक्स, नेक्स्ट निकोलास, नेक्स्ट है परिहार इटल एंड लास्ट इज हुई एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। वेल पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं विलकॉक्स के बारे में। तो विलकॉक्स ने 1929 की बात हो रही, तो विलकॉक्स ने जो दिया था किसका कॉन्सेप्ट दिया था, विलकॉक्स ने दिया था एग्रो बायोडाइवर्सिटी का, एग्रो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एग्रो बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था विलकॉक्स ने। देन नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन, तो विलकॉक्स वाला जो ऑप्शन है तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बी ऑप्शन है निकोलास 1963। निकोलास ने किस चीज़ का कंसेप्ट दिया था, इन्होंने दिया था फंक्शनल न्यूट्रिएंट का कंसेप्ट, फंक्शनल न्यूट्रिएंट। ओके, प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें से फंक्शनल न्यूट्रिएंट के बारे में निकोलास ने दिया था, निकोलास ने 1963 में बताया था। उसके बाद ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, परिहार एटल 1974। परिहार एटल ने 1974 में किस चीज़ का कंसेप्ट दिया था, इन्होंने दिया था कंसेप्ट ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन सी पी ई रेशियो का। ये क्या होता है, ये बेसिकली एक आई डब्ल्यू अपॉन सी पी रेशियो रेशियो होता है जिसके थ्रू हम मॉइस्चर का जो जो इरीगेशन होता है वो डिसाइड करते हैं कि हमें किस क्रॉप में किस स्टेज पे पर्टिकुलरली इरिगेशन देना है। तो ये आई डब्ल्यू अपॉन सी पी रेशियो से हम डिटरमाइन कर सकते हैं और ये रेशियो दिया था परिहार एटल ने 1974 में। तो सारे ऑप्शन स्टार्टिंग कैंसिल हो गए, इट मीन्स जो हमारा लास्ट ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी है दैट इज़ करेक्ट आंसर। हो एक्स्ट्रा ने, जो हो एक्स्ट्रा है यही नाम है साइंटिस्ट का, हो एक्स्ट्रा, इन्होंने 2002 में वाटर फुटप्रिंट का कंसेप्ट दिया था। ओके, अब ये कंसेप्ट क्या होता है एक बार इसको भी समझ लेते हैं कि क्या है ये कंसेप्ट। तो ये वाटर फुटप्रिंट का जो कंसेप्ट होता है इसमें हम वाटर फुटप्रिंट कंसेप्ट का मतलब होता है
हमारा जो फ्रेश वाटर का यूज़ हो रहा है उस चीज़ को दर्शाना कि हम लोगों ने कितनी क्वांटिटी में फ्रेश वाटर का यूज़ करा है, दैट इज़ कॉल्ड, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वाटर फुटप्रिंट, ठीक है। और ये दिया था होइक स्ट्रा ने 2002 में। वाटर फुटप्रिंट अगर आप इस फिगर में देख सकते हो, तीन तरह के वाटर फुटप्रिंट होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं इसके। पहला है हमारा ब्लू वाटर फुटप्रिंट, ठीक है, और सेकंड कैटेगरी हमारी आती है ग्रीन वाटर फुटप्रिंट, और लास्ट थर्ड कैटेगरी हमारी आती है ग्रे वाटर फुटप्रिंट। तो तीन टाइप्स होते हैं, ब्लू ब्लू ग्रीन एंड ग्रे। इनका मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं ब्लू वाटर फुटप्रिंट का मतलब। तो ब्लू वाटर फुटप्रिंट में क्या होता है, जो भी वाटर होता है, ब्लू का मतलब होता है यहाँ पे ग्राउंड वाटर से, ठीक है, मीन्स वाटर कंज्यूम फ्रॉम सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। हमारे सरफेस में ज़मीन की सतह पे जो पानी है सरफेस वाटर, और ज़मीन के अंदर ग्राउंड वाटर जो है, वो जो पानी है उसमें कितना फ्रेश वाटर का कंट्रीब्यूशन रहता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लू वाटर, ब्लू ब्लू वाटर फुटप्रिंट। नेक्स्ट जो है ग्रीन वाटर फुटप्रिंट, तो ग्रीन नाम से क्लियर है, फिगर भी बनी है यहाँ पे, ग्रीन जो ग्रीन क्रॉप्स हैं हमारी, ठीक है। वाटर कंज्यूम्ड फ्रॉम रेन वाटर इन फॉर इट डज नॉट बिकम्स रन ऑफ, यानी जो बारिश होती है, बारिश के थ्रू जितना भी फ्रेश वाटर आ जाता है हमारे अर्थ में, और जो जिसका रन ऑफ नहीं होता, यानी जो फालतू में जो पानी एक्स्ट्रा बहता रहता है, रन ऑफ वो नहीं होगा, सिर्फ रेन में जो वाटर आया है और जो हमारी सॉइल ने कंज्यूम करा है, दैट इज नोन एज ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। लास्ट है ग्रे वाटर फुटप्रिंट। तो फिगर में आप देख रहे हो जो गंदा पानी होता है, ठीक है, मीन्स वाटर नीडेड टू डाइल्यूट पॉल्यूटेंट्स डाउन टू सेफ कंसनट्रेशन, यानी पानी में जो पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, उन पॉल्यूटेंट्स का कंसनट्रेशन को कम करने के लिए कितना पानी की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ नोन एज ग्रे वाटर फुटप्रिंट। तो ग्रे वाटर फुटप्रिंट बेसिकली डिटरमाइन करता है फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, मींस जो सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, उसका जो कितना, उसमें कितना फ्रेश वाटर कंट्रीब्यूशन, दैट ब्लू वाटर फुटप्रिंट कहलाता है। रेन के थ्रू जो वाटर आया है उसमें जो फ्रेश वाटर का कंपोनेंट है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। और जो पोल्यूटेंट्स के लेवल को डिक्रीज करने के लिए जो फ्रेश वाटर की नीड होती है, दैट इज नोन एज ग्रे वाटर फुटप्रिंट। और ग्रे वाटर फुटप्रिंट का कंसेप्ट दिया था होइक एस्ट्रा ने 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइनर मिलेट इज कोर्सिएस्ट अमंग ऑल। इन सब में से चार ऑप्शंस हैं, ये सब मिलेट्स के ही हैं, ठीक है, ये चारों ऑप्शंस जो हैं सारे मिलेट हैं। आपको बताना है कि इन माइनर मिलेट्स में से सबसे ज़्यादा कोर्सिएस्ट कौन है। कोर्सिएस्ट का मतलब होता है विच फील्स ग्रीटी वेन इट रव बिटवीन द टू फिंगर्स, ठीक है, मतलब जब हम दो उंगली के बीच में ग्रेन को रब करते हैं तो हमें ग्रीटी टेक्स्चर फील होता है, स्मूद नहीं होता, थोड़ा रफ टेक्स्चर फील होता है, दैट इज़ नोन एज, दैट इज़ वाई मिलेट्स जो होती हैं कोर्सिएस्ट होते हैं। लेकिन सारे मिलेट कोर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोर्स कौन है, कोर्सिएस्ट मिलेट कौन है, आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, विच माइनर मिलेट इज़ द कोर्सिएस्ट अमंग ऑल, आपको देखना है कि कौन सी माइनर मिलेट सबसे ज़्यादा कोर्स है। ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए हैं एक एज सच ये बिल्कुल कॉमन नेम्स नहीं है, सब साइंटिफिक नेम है, अगर आपको साइंटिफिक नेम्स आते हैं तो आप डेफिनेटली इसका आंसर कर सकते हो। और ये जो साइड में ये इमेज है ये भी उसी आंसर की, यानी ये सबसे ज़्यादा कोर्सिएस्ट मिलेट है, लेकिन इसका नाम क्या है ये आपको ऑप्शंस में गैस करना होगा। तो लेट्स मूव ऑन, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए है पेनिसेटम ग्लाउकम। पेनिसेटम ग्लाउकम ये हमारा जो उसका कॉमन नेम है, दैट इज पर्मलेट, ये हमारा है पर्मलेट। पर्मलेट का एक नाम और है, दैट इज बाजरा। तो ये हमारी होगी पर्मलेट बाजरा, ठीक है। और ऑप्शन बी दैट इज इलुसीन कोराकाना, ठीक है। तो जो ये है इलुसीन कोराकाना, दिस वन इज फिंगर मिलेट, ये है हमारी फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट को भी और कुछ बोलते हैं, यस फिंगर मिलेट को हम बोलते हैं मंडुआ रागी, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा होता है स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सी है पास्पालम स्कॉर्बिकुलाटम। पास्पालम स्कॉर्बिकुलाटम क्या है ये, दैट इज कोडो मिलेट। पास्पालम स्कॉर्बिकुलाटम इज द कोडो मिलेट। लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है सिटेरिया इटालिका। तो इटालिका से याद रख लो, इटालिका यानी इटालियन मिलेट, ठीक है, इटालियन मिलेट, जर्मन मिलेट,
बोलते हैं, या फिर इसको कॉमनली बोलते हैं फॉक्सटेल मिलेट। बहुत सारे नाम हैं इसके, एक नाम नहीं है, फॉक्सटेल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, इटालियन मिलेट, जर्मन मिलेट, काकून भी बोलते हैं इसको कॉमनली, काकून, काकून। ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉमन नाम्स जो है होते हैं इनके, कॉमन नेम वो सब बता दिए। अब आपका क्वेश्चन ये है कि कौन सी माइनर मिलेट सबसे ज़्यादा कोर्सीएस्ट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पेनिसेटम ग्लाउकम यानी परमलेट। तो पहली बात तो परमलेट हमारा कोई माइनर मिलेट नहीं है। मिलेट्स अगर आपको याद हैं, दो तरह की मिलेट्स होती हैं, मेजर मिलेट और माइनर मिलेट। तो जो परमलेट है ये हमारी मेजर मिलेट होती है। मेजर मिलेट होने के कारण ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। वेल नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इलुसीन कोराकाना। तो इलुसीन कोराकाना थी हमारी फिंगर मिलेट, और फिंगर मिलेट भी अगेन कैसी है, ये भी हमारी मेजर मिलेट है, माइनर तो है नहीं, क्वेश्चन में माइनर स्पेसिफाई कर रखा है। ऑप्शन सी दैट इज पास्पालम स्कॉर्बिकुलाटम जो कि है कोडो मिलेट, और यही आंसर हमारा राइट है, दिस इज़ द राइट आंसर। पास्पालम स्कॉर्बिकुलाटम यानी कोडो मिलेट हमारी माइनर मिलेट है और सबसे ज़्यादा कोर्स है। अगर हम मिलेट्स को ओवरऑल भी देखें, सबसे ज़्यादा कोर्स जो है यही होती है, कोडो मिलेट ही होती है। और लास्ट ऑप्शन जो है हमारा सिटेरिया इटालिका, ये हमारी माइनर मिलेट है, माइनर मिलेट है, पर सबसे ज़्यादा कोर्स पूछा गया है, सबसे ज़्यादा कोर्स तो हमारा है पास्पालम स्कॉर्बिकुलाटम। तो इस ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये हमारा ऑप्शन सी है, पास्पालम स्कॉर्बिकुलाटम, ये माइनर मिलेट है और सबसे ज़्यादा कोर्स मिलेट है। और ये जो फिगर बना है ये इसी का है, पास्पालम स्कॉर्बिकुलाटम का है। ठीक है, तो एक बार हम मिलेट्स का तो क्लासिफिकेशन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो मिलेट्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, मेजर मिलेट्स, दूसरी होती हैं हमारी माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स में हमारी तीन आती हैं, एक आता है हमारा परमिलेट, परमिलेट का साइंटिफिक नेम यही है पास्पैलम, सॉरी परमिलेट का साइंटिफिक होता है ये पेनिसेटम ग्लाउकम। परमिलेट के बाद हमारा आता है यहाँ पे सोर्गम, सोर्गम का साइंटिफिक नेम होता है सोर्गम बाइकॉलर। उसके बाद आती है हमारी रागी मंडुआ, जिसको बोलते हैं रागी मंडुआ, फिंगर मिलेट जिसको बोल रहे थे हम, फिंगर मिलेट, साइंटिफिक नेम इलुसीन कोराकाना येरा। ये तीन ख़त्म। ठीक है, ये तीन ही होती हैं मेजर मिलेट, तीन होती हैं बस। आपने परमलेट सुना है, सॉर्गम सुना है, और रागी यानी फिंगर मिलेट। ठीक है, ये तीनों मेजर होती हैं। माइनर में हमारी कौन कौन सी आती हैं, माइनर में टोटल चार आते हैं। माइनर में आती है हमारी पहली, आता है हमारा एक तो ये हमने जो ऑप्शन पढ़ा अभी कोडो मिलेट का, कोडो मिलेट, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पास्पालम स्कॉर्बिकुलाटम, ये इंपॉर्टेंट माइनर मिलेट है और सबसे ज़्यादा कोर्स भी है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो एक सिटेरिया इटालिका है, सिटेरिया इटालिका जिसको हम फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं। ठीक है, ये दो तो आपके ऑप्शंस ऑप्शन में थी। ठीक है, इसके अलावा दो और हैं जिसको हम बोलते हैं, एक का नाम है प्रोसो, प्रोसो मिलेट आपने सुना होगा, जिसको हम छेना भी बोलते हैं, छेना, प्रोसो मिलेट या फिर छेना। और दूसरी ही होती है हमारी इसके बाद सावन, या फिर सावन का एक नाम और है बार्नयार्ड मिलेट, सावन या फिर सावन बार्नयार्ड मिलेट एक ही होता है, और सावन बार्नयार्ड मिलेट का साइंटिफिक नेम है इकाइनोक्लुआ फर्मेंटेशिया, इकाइनोक्लुआ फर्मेंटेशिया। ओके, तो ये पूरा मिलेट का क्लासिफिकेशन था। तो होप्स सो आपको पूरा याद हो गया होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कोर्स कौन है, दैट इज़ पास्पालम स्कॉर्बिकुलाटम। इसके अलावा यहाँ पे हम बाकी मिलेट्स के जो सीड्स होते हैं इनको भी देख सकते हैं फिगर वाइज, क्योंकि फिगर के हेल्प से अगर हम स्टडी करते हैं तो इट इज़ इजी फॉर अस टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो पहला हमारा है ये यहाँ पे लिटिल मिलेट है, ठीक है, लिटिल मिलेट के सीड्स हैं ये। एंड नेक्स्ट है हमारी कोडो मिलेट, जो अभी हमने देखा था हमारा राइट ऑप्शन था पास्पालम स्कॉर्बिकुलाटम, जो सबसे ज़्यादा कोर्स होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट ये अलग अलग टाइप्स की मिलेट्स हैं, पर्म मिलेट येरा, ये है फिंगर मिलेट। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ द सीड्स ऑफ और ग्रेन्स ऑफ मिलेट्स। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ रबी ऑयल सीड क्रॉप। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, अगेन ये भी साइंटिफिक नेम है, तो आपको बताना है यहाँ पे रबी सीजन की ऑयल सीड क्रॉप कौन सी है। और ये जो फिगर बनी है ये उसी की क्रॉप की है जिस जो यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लाइनम यूसीटेटिसिमम, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है एराकिस हाइपोजिया, थर्ड ऑप्शन
हेलीएंथस एनस, लास्ट रिकिनस कॉम्यूनस। सो वेल, यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है लाइनम यूसिटाटिसिमम, दैट इज नोन एज लिन सीड। ठीक है, ये लिन सीड है। अराकिस हाइपोजिया क्या है? दिस इज ग्राउंडनट, मूंगफली। हेलीएंथस एनस, तो हेलीएंथस एनस हमारा क्या है? दिस इज अवर सनफ्लावर, हेलीएंथस एनस। लास्ट है रिकिनस कॉम्यूनस, ये हमारा है कैस्टर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो रबी सीजन की ऑयल सीड क्रॉप है वो कौन सी है। ठीक है, तो रबी सीजन की ऑयल सीड क्रॉप में कौन आता है? वेल, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज लाइनम यूसिटाटिसिमम, यानी लिनसीड। लिनसीड जो है ये हमारी रबी सीजन की ऑयल सीड क्रॉप में आती है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, अराकिस हाइपोजिया यानी ग्राउंड नट, ये हमारी ऑयल सीड क्रॉप है नो डाउट, बट ये रबी की नहीं है, ये है हमारे खरीफ सीजन की। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन हेलीएंथस एनस, हेलीएंथस एनस यानी सनफ्लावर। तो सनफ्लावर किस सीज़न का है? सनफ्लावर बेसिकली अगर सीज़न बात करें तो ना ये रबी में आता है ना खरीफ में आता है, इट इज़ डे न्यूट्रल, ये तो अलग ही है, डे न्यूट्रल है, ये डे न्यूट्रल में आता है। और लास्ट ऑप्शन है रिकिनस कॉम्यूनस यानी कैस्टर, और कैस्टर हमारी अगेन खरीफ में आती है। तो यहाँ पर पूछा गया है रबी की, तो रबी में आती है हमारी लिनसीड, यानी लिनसीड का साइंटिफिक नेम लाइनम यूसिटाटिसिमम। ठीक है, इसके अलावा ये इसका फिगर है, ये फिगर है इसका, आप फिगर देख सकते हैं, इस तरह से इसके ब्लूइश कलर के फ्लावर्स यहाँ पे आते हैं लिनसीड के। और यहाँ पे रबी ऑयल सीड नाम पे आपको याद रखना है लिनसीड। लिनसीड के अलावा और भी क्रॉप्स होती हैं जो ऑयल सीड्स में रबी सीज़न में ग्रो की जाती हैं। इंपॉर्टेंट वन यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, सबसे पहले आता है हमारा रेप सीड एंड मस्टर्ड, रेप सीड एंड मस्टर्ड। सरसों जो होती है वो ऑयल सीड क्रॉप है हमारी इंडिया की, इंपॉर्टेंट नंबर वन, और ये रबी सीज़न में ग्रो होती है। मस्टर्ड के अलावा अभी हमने पढ़ा लिनसीड, लिनसीड का साइंटिफिक नेम हमने पढ़ा है लाइनम यूसिटाटिसिमम। ठीक है, इसके अलावा एक और आती है, दैट इज़ सैफ्लावर। एक था सनफ्लावर, सनफ्लावर डे न्यूट्रल होता है, सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम ये था हेलीएंथस एनस, दिस इज सनफ्लावर। और ये लिखा है मैंने जो रबी में आता है, दैट इज़ सैफ्लावर, इसको हिंदी में बोलते हैं कुसुम, सैफ्लावर को बोलते हैं कुसुम। साइंटिफिक नेम है इसका कार्थमस टिंक्टोरियस। ठीक है, और सनफ्लावर जो सूरजमुखी होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। कॉटन इज ग्रोन एज अ मेन क्रॉप अलॉन्ग विद भिंडी यानी ओकरा, दैट इज लेडी फिंगर। तो वट इज़ द रोल ऑफ भिंडी? ठीक है, यानी कॉटन को हमने मतलब इसकी एक तरह से कहते हैं इंटरक्रॉपिंग वाला क्वेश्चन है ये। इंटरक्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, एक इंटरक्रॉप ग्रो करते हैं और एक मेन क्रॉप ग्रो करते हैं। तो कॉटन हमारी जो है मेन क्रॉप है, उसको हमने ग्रो करा है अलॉन्ग विद भिंडी जो कि हमारी इंटरक्रॉप है, ये हमने करा है। तो यहाँ पे भिंडी का जो मेन पर्पस था वो क्या था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दैट? ऑप्शंस आर गार्ड क्रॉप, ऑगमेंट क्रॉप, ट्रैप क्रॉप, बोथ ए एंड बी। तो लास्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी तो बिल्कुल नहीं है, यानी ए भी नहीं है, ठीक है, और बी दोनों तो नहीं है, दोनों से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक तो होगा, तो क्या होना चाहेंगे? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी, यानी ट्रैप क्रॉप हमारा राइट आंसर है। कैसे? बिकॉज जो हम भिंडी ग्रो करते हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट पेस्ट लगता है कॉटन में, ठीक है, कॉटन बॉल वॉर्म, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं भिंडी को। भिंडी एक तरह का ट्रैप क्रॉप का काम करता है। ट्रैप क्रॉप बेसिकली वो क्रॉप होते हैं जो हमारी मेन क्रॉप को पेस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो पेस्ट होता है उससे बचाने के लिए जो हम लगाते हैं वो हमारी ट्रैप क्रॉप होती है। तो भिंडी यहाँ पर ट्रैप क्रॉप का काम कर रही है। अगर हम बात करें बाकी ऑप्शन की, जैसे गार्ड क्रॉप, तो गार्ड क्रॉप क्या होती है? गार्ड, जिस नाम से क्लियर है, गार्ड सुरक्षा करेगा। तो ये किससे सुरक्षा करता है? अगेन एनिमल्स, हमारी जो क्रॉप होती है उसको एनिमल्स ना खाएं। उस एनिमल्स से बचाने के लिए जो हम बड़ी बड़ी क्रॉप लगाते हैं वो गार्ड क्रॉप कहलाती है। स्पेशली एनिमल्स हो गए और हाई विंड वेलोसिटी, जो बहुत तेज़ हवा आती है उनसे बचाने के लिए जो हम क्रॉप्स लगाते हैं वो हमारे गार्ड क्रॉप होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर मेन अपने फील्ड की बाउंड्री में हम लगा दें सैफ फ्लावर, अभी हमने सैफ फ्लावर पढ़ा था पीछे, रबी सीजन का क्रॉप है।
सैफ फ्लावर लगाने से ये क्या होता है कि एनिमल्स एंट्री नहीं हो पाती। एनिमल्स की एंट्री क्यों नहीं हो पाती, बिकॉज सैफ फ्लावर जो होता है इसमें कांटे होते हैं, इसमें स्पाइंस होते हैं, जो कि एनिमल्स अगर एंटर होगा तो उसको चुभेंगे, तो इसलिए एनिमल्स आना नहीं चाहते। ठीक है, तो सैफ फ्लावर एक इंपॉर्टेंट हमारा गार्ड क्रॉप है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा ऑगमेंट क्रॉप। ऑगमेंट क्रॉप बेसिकली वो क्रॉप होते हैं जो हमारी मेन क्रॉप की ईल्ड को हेल्प करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, यह भी ठीक है। इट सप्लीमेंट द ईल्ड ऑफ मेन क्रॉप, ये मेन क्रॉप की ईल्ड को सप्लीमेंट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है ऑगमेंट क्रॉप का, तो एग्जाम्पल क्या होता है इसका, ग्रोइंग जापनीज मस्टर्ड अलॉन्ग विथ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जापनीज मस्टर्ड होता है सरसों, उसको हम ग्रो करते हैं अलॉन्ग विथ बरसीम। ठीक है, तो ये हमारा ऑगमेंट क्रॉप का एग्जाम्पल होता है। और यहाँ पे पूछा गया था जो कॉटन और भिंडी है इनको साथ में ग्रो करेंगे तो भिंडी एक काम करेगी ट्रैप क्रॉप की तरह, यानी वो भिंडी के, भिंडी में क्या होता है कि जो पेस्ट लगना होता है कॉटन में लगना होता है, कॉटन हमारी मेन क्रॉप है, पर मेन क्रॉप ख़राब ना हो इसलिए वो पेस्ट जो है भिंडी ही में लग जाता है, हमारी जो मेन क्रॉप होती है उसकी बजाय भिंडी में लग जाएगा, तो हमारी मेन क्रॉप सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट पेयर, तो चार ऑप्शंस हैं, इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, नेक्स्ट इटाई इटाई कोबाल्ट टॉक्सिसिटी, नेक्स्ट इरिसफेमाइन फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, डी कॉफी रस्ट हिमिलिया वेस्टिटिरिकोला। तो यहाँ पे जो हमारा राइट पेयर है, सॉरी इनकरेक्ट पेयर पूछा है ना, इनकरेक्ट मतलब गलत कौन है, तो ऑप्शन बी जो है दिस इज़ रॉन्ग, ये हमारा पेयर जो है गलत है। इटाई इटाई एक डिसीज़ होती है जो कि कोबाल्ट की टॉक्सिसिटी से नहीं होती, ये होती है ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ कैडमियम, कैडमियम की टॉक्सिसिटी की वजह से इटाई इटाई डिसीज़ हो जाती है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो पेयर जो है करेक्ट है, यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट फर्टिलाइजर से होता है, ये चीज़ सही है। इरिसफेमाइन आई थी 1845 में, पटेटो में आई थी बेसिकली, ये आलू में आई थी, आयरलैंड में आई थी, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस इसका मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म था, और कॉफ़ी रस्ट जो थी ये श्रीलंका में आई थी, ये कहाँ पर आई थी, श्रीलंका में आई थी कॉफ़ी रस्ट इन द ईयर 1867, और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म था दैट इज़ हिमेलिया। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। हमको पूछा गया था क्वेश्चन में इनकरेक्ट कौन है, तो इनकरेक्ट हमारा इटाई इटाई था, और जो यहाँ लिखा था कोबाल्ट की वजह से होता है, नो इटाई इटाई जो होता है इट इज़ ड्यू टू कैडमियम टॉक्सिसिटी। इसमें होता क्या है, इटाई इटाई जो डिसीज़ है सबसे पहली बार ये रिपोर्ट हुई थी जापान से, दैट इज़ वाई इसका थोड़ा नाम जो है थोड़ा जापनीज टाइप का नाम है इटाई इटाई, जापान से सबसे पहले इसको केस मिले थे। और इस डिसीज़ में क्या होता है, कैडमियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में, जिसके कारण हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं, जॉइंट्स पेन करते हैं, इस तरह का सिम्टम यहाँ पे डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम इज, जिप्सम क्या है, जिप्सम किस तरह का पत्थर है, चट्टान है, रॉक है, बताना है। ऑप्शंस आर सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक एंड वॉल्केनिक रॉक। ये जिप्सम की फिगर है, इस तरह से दिखता है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होगा, ये फॉर्मूला होता है इसका CaSO4 2H2O। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये किस प्रकार का पत्थर है, तो सेडिमेंट्री रॉक है ये, ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सेडिमेंट्री रॉक इज़ द राइट आंसर। जिप्सम एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स के दूसरे एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हमारे आता है सैंडस्टोन, आपने सुना होगा सैंडस्टोन, ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, और लाइमस्टोन हो गया, ये भी हमारा सेडिमेंट्री रॉक में आता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन अगर हम देखें तो ये रॉक्स बनते कैसे हैं, होता क्या है, जो मैग्मा होता है, मैग्मा यू ऑल नो मॉल्टन मटेरियल होता है, वो जैसे जैसे ठंडा होता जाता है, ठंडा होने के बाद वो बनाता है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स में भी क्या होता है कि कूलिंग कैसे हो रही है, जैसे मैग्मा ठंडा होकर इग्नियस बन जाता है, अब ये ठंडा जो होता है यानी कूलिंग का प्रोसेस कैसे हो रहा है, ज़मीन के अंदर है या ज़मीन के सरफेस में हो रहा है। ठीक है, अगर ये ज़मीन के अंदर होगा तो प्लूटोनिक रॉक्स बनेंगे, और अगर ज़मीन के सरफेस में हो रहा है तो वॉल्केनिक रॉक्स बनते हैं। तो ये दोनों ही जो कैटेगरी हैं प्लूटोनिक और वॉल्केनिक, ये दोनों ही इग्नियस रॉक्स के टाइप्स हैं। इग्नियस रॉक्स में फर्दर एग्रीगेशन होता है तो बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स।
ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स में फर्दर क्या होता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से उन पत्थरों को केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है, जिसके कारण एक नया तरीके का पत्थर बन जाता है, उसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस तरह से पत्थरों का जो फॉर्मेशन होता है, ये थी रॉक साइकिल। तो ये आपको समझ में आ गई की होगी कि रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तीन तरह के पत्थर होते हैं, जिसमें से जिप्सम जो है सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीबनिंग इन जूट इज पॉपुलर इन। जूट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है रीबनिंग, जो कि कहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऑप्शंस है इंडिया, चाइना, जापान, बोथ बी एंड सी। ये फिगर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो हैं दोनों पर्सन, ये रिबनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो रिबनिंग कर रहे हैं ये फार्मर्स, बेसिकली जूट में जूट के फाइबर को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करा जाता है। यानी जूट जब इमेच्योर होता है, ग्रीन कलर का ही होता है, ठीक है, जब जूट अपनी ग्रीन कलर की स्टेज में होता है, उसी टाइम पे जूट को हार्वेस्ट करते हैं। और इमिडिएटली हार्वेस्टिंग करने के बाद उसके जो बाहर का जो फाइबर होता है उसको निकाल लिया जाता है, छीन देते हैं उसको, रॉ कंडीशन में रॉ फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे होती है रिबनिंग के बाद रेटिंग। रेटिंग वही जो पानी में डाल देते हैं, ठीक है, एक तरह का केमिकल प्रोसेस होता है रेटिंग। तो ये रेटिंग से पहले की जाने वाली प्रक्रिया है रिबनिंग, जो कि कहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अब फिगर में तो आपको ये इंडियन दिख रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा इंडिया में पॉपुलर है, बट पॉपुलर इंडिया में नहीं है, इंडिया में बहुत कम होती है, बहुत ही रेयर होता है इंडिया में। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर पूछा जा रहा है, पॉपुलर कहाँ पर है, तो ये है पॉपुलर चाइना में। इंडिया में पॉपुलर नहीं है, जापान में पॉपुलर नहीं है, ये पॉपुलर है चाइना में। चाइना के साथ साथ ये चाइना के अलावा ये ताइवान में भी पॉपुलर है, ठीक है। तो चाइना और ताइवान में ये प्रोसेस जो है रिबनिंग का, जूट में जो करते हैं, ये बहुत पॉपुलर होता है। रिबनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्रीन कलर का, ग्रीन स्टेज में ही, यानी जो इमेच्योर जूट होता है उसको हार्वेस्ट करते हैं, और इमीडिएटली हार्वेस्टिंग करने के बाद उसके जो फाइबर होता है उसको निकालना स्टार्ट कर देते हैं, इमेच्योर फाइबर को ही हम निकालना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिबनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लो लैंड राइस फील्ड। तो जो लो लैंड राइस फील्ड होता है, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इन सब न्यूट्रिएंट में से कौन सा न्यूट्रिएंट इसेंशियल होता है। ऑप्शंस हैं कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकन, वैनेडियम। तो जो लो लैंड राइस होता है यहाँ पे, जिसमें हमें इरीगेशन वाटर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी कंडीशन में अगर हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, तो हमें कौन सा न्यूट्रिएंट अप्लाई करना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कोबाल्ट रॉन्ग है, सोडियम रॉन्ग है, सिलिकन भी रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे है हमारा लास्ट ऑप्शन, दैट इज़ वेनेडियम। वेनेडियम इंपॉर्टेंट होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट कोई एज सच कोबाल्ट का न्यूट्रिएंट से क्या लेना देना है, तो कोबाल्ट बेसिकली विटामिन B12 में पाया जाता है। जो विटामिन होते हैं, विटामिन B12 का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और सोडियम की अगर हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारा सोडियम होता है, ये हमारे को प्लांट्स में क्या करते हैं, जो प्लांट्स में सोडियम होता है बेसिकली हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो प्लांट्स के ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है सोडियम। सिलिकन का क्या क्या काम होता है, सिलिकन जो होता है प्लांट्स के, प्लांट में जो स्ट्रेस डेवलप हो जाता है ड्यू टू बायोटिक कंडीशन या फिर एबायोटिक कंडीशन, ठीक है, कह सकते हैं बायोटिक या फिर एबायोटिक स्ट्रेस प्लांट्स में जो डेवलप होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है सिलिकन। और वैनेडियम क्या करता है, ये अगेन अभी हमने पढ़ा है, वैनेडियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो सबके इंपॉर्टेंट रोल हैं, ये हमने देख लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड इनकरेक्ट पेयर। इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है ये बताना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आजकल बहुत आ रहे हैं एग्जाम्स में, इनकरेक्ट पेयर बताओ या कौन सा मैच ठीक नहीं है बताओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इनकरेक्ट पेयर कौन है, यानी गलत कौन है। ऑप्शन ए है हमारा राइजोबियम मेलिलोटी, और यहाँ पे क्रॉप्स दिए लुसीन स्वीट क्लोवर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये किस तरह से फ्रेम करा गया है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया की स्पीशीज हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो यूज़ करते हैं हम, और ये हमारे क्रॉप्स दिए हैं।
कि कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम यूज़ करते हैं किस क्रॉप में। तो पहला ऑप्शन है राइजोबियम मेलिलोटी, जो कि हम यूज़ करते हैं लूसीन स्वीट क्लोवर में। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, यस ये करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा राइजोबियम ट्राइफोली इन बरसीम, ये हम यूज़ करते हैं ट्राइफोली को बरसीम में, यस बरसीम का तो साइंटिफिक नेम में ही ट्राइफोलियम आता है, तभी तो ये नाम बना है राइजोबियम ट्राइफोली, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। सी ऑप्शन है हमारा राइजोबियम फ्री डी अरहर और मूंग, अरहर और मूंग में हम राइजोबियम फ्री डी यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है। लास्ट ऑप्शन है हमारा राइजोबियम जपोनिकम ग्राम, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, दिस इज़ अवर इनकरेक्ट। अब पूछा ही है हमसे कि इनकरेक्ट कौन सा है बताओ, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो अब ये इनकरेक्ट है तो इसका करेक्ट क्या होगा, तो राइजोबियम जपोनिकम होता है, ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ली जाती है। किस क्रॉप्स में ली जाती है, ग्राम में नहीं ली जाती है, चना होता है उसमें नहीं ली जाती, ये बहुत ही फेमस है सोयाबीन में, ठीक है। तो सोयाबीन क्रॉप में हम यूज़ करते हैं राइजोबियम जपोनिकम, ठीक है, याद रहेगा। राइजोबियम जपोनिकम इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन स्पीशीज़ है बैक्टीरिया की, जो यूज़ होती है सोयाबीन में। सोयाबीन के अलावा भी कुछ क्रॉप्स होते हैं लाइक काउपी में भी ये यूज़ हो जाता है, बट मोस्ट कॉमनली इसका यूज़ जो सबसे ज़्यादा देखा गया है वो सोयाबीन में ही देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगेन नाइट्रोजन फिक्सेशन से ही है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में पूछा गया है कि एरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे संबंधित है। एरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ रिलेटेड टू, किस से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट है हमारा सिस्वेनिया रोस्ट्राटा, साइंटिफिक नेम है सारे। नेक्स्ट है सस्बेनिया एक्विलाटा, नेक्स्ट है कैजनस काजन, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये तो होगा नहीं। तो बचे हुए तीन ऑप्शंस में से करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा, यानी एरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में होता है, और ये जो फिगर बनी है इमेज है ये उसी क्रॉप की है, उसी प्लांट की है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सस्बेनिया रोस्ट्राटा, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है, सस्बेनिया रोस्ट्राटा, और नेक्स्ट ऑप्शन था सस्बेनिया एक्विलाटा। एक्चुअली ये दोनों ही क्या है, सस्बेनिया है, सस्बेनिया यानी इसको कॉमनली हम बोलते हैं ढैंचा। तो ये ढैंचा इंपॉर्टेंट है हमारा, ढैंचा इंपॉर्टेंट ग्रीन मैन्योर क्रॉप है हमारी, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है प्लांट्स में। और ये दोनों ही क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन जो सस्बेनिया रोस्ट्राटा होता है ये हमारा एरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। एरियल का मतलब इस प्लांट के जो शूट होता है, शूट में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके जो शूट वाला पोर्शन होता है वहाँ पे नोड्यूल होंगे। अगर इसके शूट में ही नोड्यूल होंगे तो वहीं पे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगी, यानी हवा में ही, क्योंकि शूट जो पोर्शन है ज़मीन के अंदर तो होता नहीं है, ज़मीन के ऊपर होता है। दैट इज़ अ शूट में जो नोड्यूल है उनसे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, दैट इज़ रिफर्ड एज एरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो दूसरा टाइप का ढेचा है, दैट इज़ सस्बेनिया एक्विलाट, तो यहाँ पे क्या होता है, रूट की वजह से होता है नोड्यूल्स फॉर्मेशन, यानी रूट्स में, जड़ों में नोड्यूल होते हैं। तो कह सकते हैं इसको यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है वो रूट्स की वजह से होता है, एरियल नहीं होता, वो अंडरग्राउंड होता है। और कैजनस काजन, यानी कैजनस काजन तो हमारा ये है पिजन पी, तो पिजन पी में तो अलग ही पल्स क्रॉप हो गया, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी उसका रूट्स में होता है। तो पूछा क्या था, एरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में होता है, तो याद रखना एरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है हमारा किस में होता है, सस्बेनिया रोस्ट्राटा में होता है। और सस्बेनिया रोस्ट्राटा का फिगर ये हो रहा है, इसमें येलो कलर के फूल आते हैं और इसके स्टेम में ही नोड्यूल्स बनते हैं, जो कि एरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ हो जाता है। तो एरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ड्यू टू सस्बेनिया रोस्ट्राटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैच द फॉलोइंग इसका है क्वेश्चन, मैच इट करना है आपको, तो मैच करना है। ये चार दे रखे हैं ए बी सी डी और यहाँ पे 1 2 3 हैं, इनको आपको मैच करना है कि क्या रहेगा और उसके बाद ऑप्शंस क्या रहने, ठीक है। तो यहाँ पहले देख लेते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट है हमारा इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्ट, नेक्स्ट है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया, देन ऑक्सीजन टेंशियोमीटर, और दूसरी साइड है हमारे रिचार्ड साइंटिस्ट के नाम है बेसिकली सब। तो आपको बताना है कि जो इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्ट है वो किस साइंटिस्ट ने डेवलप करा था। तो इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्ट दिया था सर अल्बर्ट हॉवर्ट ने, ठीक है। अगर आपको पता होगा फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है, सर अल्बर्ट हॉवर्ट को, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेट है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, कंपोस्ट मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेट हो रहा है। तो इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्ट दिया था सर अल्बर्ट हॉवर्ट ने, ठीक है। यानी ए ऑप्शन जो है उसका
ए को हम टू से मैच करेंगे। ए का टू कहाँ पर है, तो ये को एक टू ये रहा, ए और टू ये रहा, ए टू ये रहा, तो ये सी ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब इन तीन ऑप्शंस को हम फोकस करेंगे। अब बी को देखते हैं, बी में यहाँ पे है वन, तो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया को अगर हम फर्स्ट वाले से मैच करें तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं, बी को थ्री से जोड़ना है, यानी फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया को एवेंट से जोड़ेंगे, तो ये भी हमारा ऑप्शन ठीक नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। यानी बस अब हमको पता चल गया हमारा लास्ट ऑप्शन ठीक है। ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें क्या था मैच एक बार। तो ए का टू है, यानी इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्ट दिया था सर अल्बर्ट हॉवर्ट ने, दैट इज़ राइट। उसके बाद नेक्स्ट बी ऑप्शन है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया, ये है फोर्थ, यानी प्रोफेसर ई ए सिद्दीकी। अब देखो जो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस है वो दो होते हैं, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस नॉर्मल इन वर्ल्ड, ठीक है, और एक होता है इंडिया के। तो इंडिया के हैं प्रोफेसर ए सिद्दीकी, और वर्ल्ड में कौन है, वर्ल्ड के हैं चाइना के हैं, उनका नाम है युआन लॉन्ग पिंग, युआंग लॉन्ग पिंग ऐसे ही कुछ नाम है, चाइनीज टाइप का नाम है। ये हैं फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन वर्ल्ड जो कि चाइना के हैं, और इंडिया में हमारे हैं प्रोफेसर ई ए सिद्दीकी। सी और सी का जो है थर्ड है, सी है हमारा ऑक्सिन, ऑक्सिन इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है। तो ऑक्सिन की जो डिस्कवरी की थी वो किसने करी थी, ऑक्सिन की डिस्कवरी करी थी एफ डब्ल्यू वेंट ने। एफ डब्ल्यू वेंट एक साइंटिस्ट हैं, जब ये क्या करते थे अवीना, जो अवीना से टाइप का होता है ओट, ओट के प्लांट में ये रिसर्च कर रहे थे, वहीं से इन्होंने ऑक्सिन की डिस्कवरी करी थी। लास्ट था हमारा डी को वन से कनेक्ट करना है, डी है हमारा टेंशियोमीटर, टेंशियोमीटर की जो डिस्कवरी करी थी रिचर्ड एंड गार्डनर ने। टेंशियोमीटर एक तरह का डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है जो कि सॉइल मॉइस्चर को डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होता है, और ये किस रेंज तक मेज़र कर सकता है, अप टू 0.8 बार प्रेशर, 0.8 बार प्रेशर तक ये हैंडल कर सकता है, और ये टेंशियोमीटर की डिस्कवरी करी थी रिचर्ड एंड गार्डनर ने।